हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू। आज मैं बात करने वाला हूँ फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में, जो कि इसी साल 2017 में लॉन्च होगी या फिर 2018 के शुरुआत में लॉन्च होगी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नई फोर्ड इको स्पोर्ट में क्या क्या नया आ रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, ताकि आप उसे खरीदना चाहते हो तो आप उसे आइडिया हो जाए कि उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इको स्पोर्ट इंडिया में लॉन्च होने वाली है वो फेसलिफ्ट मॉडल है। इसका मतलब जो एक्सटीरियर में, फ्रंट में और बैक में उसमें चेंजेस किए जाएंगे, और इंटीरियर में, वो भी डैशबोर्ड में इंटीरियर में चेंजेस किए जाएंगे। बाकी जो इसका इंजन है और जो उसकी डायमेंशन यानी उसका साइज वगैरह, हाइट, लेंथ, विड्थ, वो सब उसकी सेम रहेगी। तो ये फेसलिफ्ट मॉडल है, ना कि न्यू जनरेशन मॉडल। अगर कंपनी बोलती है कि न्यू जनरेशन फोर्ड इको स्पोर्ट आ रही है, तो इसका मतलब होता कि उसमें इंजन भी अपग्रेड करा है, बट ये सिर्फ फेसलिफ्ट मॉडल। तो इसमें इंजन आपको सेम मिलेगा, सिर्फ दिखावट में यानी जो फ्रंट में और बैक में आपको चेंजेस मिलेंगे और इंटीरियर में उसमें चेंजेस मिलेंगे। फेसलिफ्ट का मतलब ही यही होता है कि उसमें आपको एक्सटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाए और इंटीरियर में चेंजेस किए जाए, ताकि आपकी जो करंट में इको स्पोर्ट है उससे ज्यादा अच्छी लगे देखने में, और थोड़े बहुत फीचर्स उसमें ऐड करे जाते हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है। इसका मतलब है कि जो इसकी लंबाई है वो 4 मीटर से कम रखी गई है। न्यू फोर्ड इको स्पोर्ट आपको ड्यूअल कलर में मिलेगी। इसका मतलब इसमें एक्सटीरियर में 2 कलर का इस्तेमाल किया गया है, एक तो कार का कलर हो गया और दूसरा है सिल्वर कलर, जो कि फ्रंट और बैक बम्पर में इस्तेमाल करे गए। अगर आप नई इको स्पोर्ट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पुरानी की तरह ही लगेगी, बट अगर आप उसकी डिटेलिंग पे नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें चेंजेस करे गए। नई फोर्ड इको स्पोर्ट में आप जो सिल्वर कलर का इस्तेमाल देख रहे हो बम्पर में, फ्रंट में और बैक में, ये फोर्ड ने इस्तेमाल करा है 2017 की एस्पायरा के। आप एस्पायरा को भी देख सकते हो, इसमें भी फ्रंट में सिल्वर कलर के बम्पर इस्तेमाल करा गया है। तो उसी तरीके का डिजाइन एलिमेंट इको स्पोर्ट में इस्तेमाल करा गया। अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो आप देखोगे दोनों कार आपको एक जैसी लगेगी। लेफ्ट में आपको पुरानी इको स्पोर्ट है जो कि अभी फिलहाल चल रही है, और जो लॉन्च होने वाली है वो राइट साइड में। तो आपको एक बार देखोगे तो आपको दोनों एक जैसी लगेगी, बट आप उसका ग्रिल देखो, आपको पुरानी वाली का ग्रिल है वो थोड़ा नीचे दिखेगा और जो नई वाली का जो ग्रिल है वो ऊपर है सीधा बोनेट के नीचे। और आप उसका लोगो देखो, जो फोर्ड का लोगो है वो बोनेट के नीचे स्ट्राइप लाइन के साथ दिया था पुरानी के अंदर, बट जो नई के अंदर आपको ग्रिल के बीचों बीच मिलेगा। और जो नई फोर्ड इको स्पोर्ट के ग्रिल का डिजाइन है, इसे ट्रेपेजॉइडल डिजाइन बोलते हैं। दूसरी चीज, आप हेडलाइट को देखो, आपको जो पुरानी के मुकाबले अब काफी बड़ी हेडलाइट मिलेगी और उसका डिजाइन भी अलग है। अगर आप फॉग लाइट को देखो तो पुरानी आपको गोल कलर की फॉग लाइट मिलती थी, बट जो अब जो नई इको स्पोर्ट में है आपको अलग तरीके की फॉग लाइट मिलेगी, और नई के अंदर फ्रंट में सिल्वर कलर का बम्पर इस्तेमाल करा गया है। अगर साइड लुक की बात की जाए तो साइड मिरर है, जो विंडो का शेप है वो सब सेम रखा गया है, सिर्फ अलॉय व्हील का जो डिजाइन है वो बदला गया है उसके अंदर। बाकी साइड से देखने में दोनों सेम ही है, कोई बदलाव आपको दिखेगा नहीं उसमें। अगर बैक लुक की बात की जाए तो बैक लुक भी आपको एक जैसा ही लगेगा, बस आप बम्पर देखोगे उसमें सिल्वर कलर का इस्तेमाल करा गया है फ्रंट की तरह ही। यूरोप और यूएसए में जो इको स्पोर्ट लॉन्च हुई है उसमें पीछे टायर नहीं है, वो टायर हटा दिया गया है, बट जो चाइना में लॉन्च हुई है उसमें टायर है। तो एशिया में चाइना आता है, हम भी एशिया में आते हैं, तो इसीलिए इंडिया में जो इको स्पोर्ट आएगी उसमें पीछे टायर आएगा, उसमें टायर हटा हुआ नहीं आएगा। तो बूट डोर पर हमें स्पेयर व्हील मिलेगा, बट जो स्पेयर व्हील है उसका जो डिजाइन है स्पेयर व्हील के कवर का वो अलग है पुरानी के मुकाबले। और आप अगर एंटीना को देखो, जो पुरानी फोर्ड इको स्पोर्ट थी उसमें फ्रंट में दिया था एंटीना, बट जो नई इको स्पोर्ट के अंदर आपको पीछे एंटीना दिया है टेल लाइट के ऊपर। अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में आपको डैशबोर्ड में 2 कलर का इस्तेमाल करा गया है, एक तो ब्लैक और एक क्रीम कलर का इस्तेमाल करा गया है, 2 कलर का इस्तेमाल करा गया है इसके अंदर। और आप नए डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि इसमें आप फुल टच स्क्रीन इस्तेमाल करा गया है। पुरानी इको स्पोर्ट में ज्यादातर बटन इस्तेमाल किए जाते थे, बट जो नई इको स्पोर्ट आएगी इसके अंदर आपको फुल टच स्क्रीन मिलेगा। सारे जो आप एक्सेस करते हो अपने जो कार के जितने फीचर्स है वो आप टच स्क्रीन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ जो क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स है उसमें बटन दिए, बाकी जो आपका म्यूजिक सिस्टम कट जो है और जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आपका नेविगेशन है, वो आप सिर्फ डायरेक्ट टच स्क्रीन के इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो काफी आप एक हद तक देखो तो पूरा बदल चुका है डैशबोर्ड। और आप स्टीयरिंग व्हील को देखोगे तो उसका डिजाइन भी बदल दिया है पहले के मुकाबले। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिजाइन है वो भी बदल दिया है, अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल करा गया है। और जो AC वेंट्स का डिजाइन है वो सेम रखा गया है पुरानी की तरह ही। सीट्स का जो डिजाइन है वो पहले की तरह ही सेम है, बट जो सीट्स कवर का कलर है वो चेंज कर दिया है। कार के अंदर बैठने की जितनी स्पेस थी पुरानी में उतनी ही नई में है। अगर नई इको स्पोर्ट्स की डायमेंशंस की बात की जाए तो उसकी लेंथ यानी लंबाई है 3999 मिलीमीटर, विड्थ मतलब चौड़ाई है 1765 मिलीमीटर, हाइट मतलब ऊंचाई है 1708 मिलीमीटर,
और आपको इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। इंजन की बात की जाए तो आपको नई इको स्पोर्ट में तीन इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। एक है 1.0 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर TDCI जो कि डीजल इंजन है, वो आपको 99 की बेस की पावर जनरेट करेगा और 205 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देगा। वहीं 1.5 लीटर TIVCT जो कि पेट्रोल इंजन है, वो आपको 110 BHP की पावर जनरेट करेगा और 140 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देगा। मैनुअल आपको 5 गियर वाली मिलेगी और ऑटोमेटिक आपको 6 गियर वाली मिलेगी। पेट्रोल इंजन की एवरेज की बात की जाए तो 15.60 किलोमीटर पर लीटर की आपको एवरेज मिलेगी और वहीं डीजल इंजन की आपको 22.27 KMPL की आपको एवरेज मिलेगी। अगर नई इको स्पोर्ट की प्राइस की बात की जाए तो आपको 7.8 लाख से लेके 12 लाख तक के बीच में मिलेगी। इको स्पोर्ट्स के फिलहाल मार्केट में कॉम्पिटिटर है मारुति ब्रेजा की विटारा, TUV300, रेनॉल्ट डस्टर, मारुति अर्टिगा और हुंडई की i20। अगर विटारा ब्रेजा की प्राइस की बात की जाए तो 7 लाख से 9 लाख तक के बीच में है और महिंद्रा TUV 7 लाख से 10 लाख तक के बीच में है, रेनॉल्ट डस्टर 8 लाख से 13 लाख तक के बीच में है, मारुति अर्टिगा 6 लाख से 9 लाख तक के बीच में है, होंडा i20 5 से 9 लाख तक के बीच में है। तो नई इको स्पोर्ट में ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे और आपको ये फेसलिफ्ट मॉडल है तो इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये इसमें आपको नया इंजन मिलेगा या फिर इसमें ज्यादा पावर मिलेगी या इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगी। सब चीज में सेम है, सिर्फ ये फेसलिफ्ट मॉडल है। तो फेसलिफ्ट अगर कंपनी बोलती है तो उसका मतलब साफ होता है कि जो एक्सटीरियर में चेंजेस करे गए हैं और इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस करे, इंजन वगैरह से कंपनी छेड़ती नहीं है, क्योंकि अगर इंजन कंपनी चेंज करेगी तो उसे नेक्स्ट जनरेशन बोला जाएगा। तो ये नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, ये इसी जनरेशन की इको स्पोर्ट है सेम, तो इसे इंजन आपको सेम मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें। अगर आपको इको स्पोर्ट से लेके कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी आपकी मुझसे पूछ सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कार और बाइक सेफ चलाएं। थैंक यू।